जय श्री राम भक्तों, आज का विषय है कि अखंड ज्योत का बीच में बार बार भूल जाना। क्या माता रानी नाराज है? क्या माता रानी अब दंड देगी हमें? अनेकों भक्तों के इस नवरात्र के बीच में हमारे पास फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न आया है कि गुरुजी, अखंड ज्योति जो हमने जलाई है नवरात्र में, वो बीच बीच में कई बार खंडित हो गई, बुझ गई और हम बहुत मन में डर गए हैं। क्या मैया या माता रानी हमसे नाराज है, या क्या वो हमको अब दंड देंगी? आज का ये विषय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, अगर आपने नवरात्रों में मैया का अखंड दीपक जलाया है, तो आपकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको दिन में, रात में कई बार देखें, चेक करें और अत्यंत सावधानी के साथ उसमें घी तेल डालें और उसकी बत्ती को सही करें और उसकी बत्ती पर जो फूल इत्यादि बनता है या जो काला काला कार्बन जमा हो जाता है, उसको सावधानी पूर्वक निकालना है। इस अखंड ज्योत का सुरक्षित 9 दिन जलना बगैर बुझे, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसमें प्रायः देखा गया है, कोई भी अखंड ज्योत जो बुझती है या खंडित होती है, इसमें प्रायः आप लोगों की गलतियां होती हैं। जैसे पंखे का बंद ना करना, स्लो कर देना, उसकी हवा से बुझ जाती है, या उसकी कार्बन को साफ करते समय या उसकी बत्ती ठीक करते समय या उसमें घी तेल जब डाल रहे तो अत्यधिक मात्रा में डाल दिया, या पता लगा कि उस लौ के ऊपर ही एकदम डाल दिया और बत्ती बुझ गई। देखिए, ये सब गलत है। इसको अत्यंत सावधानी के साथ इस क्रिया को संपन्न करना है और आपको पूरा विशेष ध्यान देना है, पूरी कोशिश करनी है कि ये अखंड दीपक बुझे ना। और इसकी जो सबसे सही विधि है, अखंड ज्योत की दीपक की बत्ती को सही करने की, वो ये है कि घी और तेल के, कुछ लोग खाली घी का जलाते हैं, कुछ लोग तेल का जलाते हैं, कुछ लोग घी तेल दोनों के दीपक जलाते हैं, घी का मैया का और तेल का भैरव बाबा का। जब भी आप इसकी बत्ती इत्यादि ठीक करें या इसमें घी तेल डालें, तो आपको अलग से एक छोटे छोटे 2 दीपक बना के उसमें घी तेल डाल के और उसी की ज्योति से, उसी की अग्नि से उनको प्रज्वलित करें और विनती करें मैया से कि हे माता रानी, इस अखंड ज्योत की ज्योत थोड़ी देर के लिए, इन शक्ति और ज्योत, इन छोटे दीपकों में हम ले रहे हैं क्योंकि हम इन अखंड दीपक को सही करने जा रहे हैं। अगर ऐसा करते समय आपका अखंड ज्योति जो मुख्य दीपक है अगर बुझ भी जाता है तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने आपका, आपने उसके छोटे छोटे अलग से 2 प्रतिरूप दीपक जला रखे हैं पहले से। उसके बाद अगर बुझ जाते हैं तो आप उनसे अग्नि लेके उनको दोबारा जला सकते हैं। तो इसमें आपका जो नवरात्रे का दीपक है वो खंडित नहीं माना जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते और इसको करने के बिना आप बत्ती उसकी सही कर रहे हैं, घी तेल डाल रहे हैं और वो बुझ जाता है, तो अखंड दीपक खंडित माना जाता है। अब बात आती है, क्या मैया आपसे कुपित होंगी
नाराज होंगी, आपको दंड देंगी। तो इसका उत्तर भी आप ध्यान पूर्वक सुने। ये जो अपराध है अखंड दीपक का आपके द्वारा बुझना, ये जो अपराध है क्षम्य अपराध है। ये ऐसा अपराध नहीं है कि जिसको माता रानी क्षमा ना कर सके। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ऐसी गलती हुई है और आपका अखंड दीपक खंडित हुआ है, तो आपको मैया के सम्मुख विनती करनी है सच्चे मन से कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगा इस बात का कि ये दीपक दोबारा ना बुझने पाए, और इस बार जो मुझसे गलती हुई है कृपया आप मुझे क्षमा करें। ऐसा बोल के आप मत्था टेके और कम से कम 21 बार कान पकड़ के नाक रगड़ें और निर्माण मंत्र की कम से कम 3 माला आप जपें, जिससे कि आपके मन में जो आत्मग्लानी उत्पन्न हुई है वो खत्म हो जाएगी और मैया भी प्रसन्न होके आपको पूर्णतः क्षमा कर देंगी और माता रानी ऐसा कोई दंड आप लोगों को नहीं देती है। अगर आप क्षमा नहीं भी मांगेंगे तो भी वो दंड नहीं देती है। उनके लिए सभी भक्त समान हैं और सभी उनके बच्चे हैं। मैया अपनी तरफ से आपको कोई दंड नहीं देंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैया थोड़ी अप्रसन्न जरूर होती है, इसलिए उनकी अप्रसन्नता को दूर करने के लिए आप उनसे विधिवत क्षमा याचना करें, जिससे कि मैया आपको जल्द क्षमा कर देंगी। इसकी यही एक तरीका है। आशा है आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चैनल के आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।